दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में 90% बीमारियां इनडाइजेशन यानी कि खराब पाचन की वजह से होती हैं। तो इसीलिए आप कितना खाते हैं इस बात से ज्यादा जरूरी है ये समझना कि आप उस खाने को कितनी अच्छी तरीके से पचा पाते हैं। आपने कई लोगों की शिकायतें सुनी होंगी या फिर कई बार आपने खुद भी महसूस किया होगा, बदहजमी, कब्ज, एसिडिटी, सीने में जलन, पेट दर्द, भूख न लगना जैसे कुछ प्रॉब्लम से अक्सर हम परेशान रहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली में इन सारे सिम्टम्स के जरिए हमारा शरीर इंडिकेट करता है कि हमारा डाइजेशन ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। आपको बता दें कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे खाने को एनर्जी में बदलकर हमारे शरीर को ताकत और पोषण देता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और हम बीमारियों से बचे रहते हैं। लेकिन जब यही पाचन ठीक से काम ना करे तो जो भी खाना हम खाते हैं वो पचने के बजाय सड़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जरूरी विटामिन्स और मिनरल की कमी हो जाती है और धीरे धीरे हमारा इम्यून सिस्टम भी कमजोर होने लगता है। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डाइजेशन को इम्प्रूव करना बहुत ही आसान है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जो अनजाने में हम हर रोज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन खराब चलता है। इसके साथ ही मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खे भी बताऊंगी जिसे अपनाकर आप हफ्ते भर में ही अपने डाइजेशन को ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो में मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि फिटनेस से जुड़ी सभी जानकारियां आपको यहां मिलती रहती हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्वेता सिंह और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल यस एंटरटेनमेंट एंड फिटनेस में। सबसे पहले आप ये जान लें कि जैसे ही हम खाना खाते हैं डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही हम खाने का एक निवाला भी अपने मुंह में रखते हैं उस वक्त से ही हमारे शरीर के अंदर जो खाना पचाने वाली मशीन है वो चलना शुरू कर देती है। लेकिन हम में से कई सारे लोगों की आदत होती है खाना खाते वक्त पानी पीना या फिर खाना खाने के तुरंत बाद गटागट 2-3 ग्लास पानी पी लेना, और यही हम करते हैं सबसे बड़ी गलती। दोस्तों आप खुद ही सोचिए, जब कोई मशीन काम कर रही है तो वो गर्म भी होगी, ऐसे में जब आप पानी पी लेते हैं तो मशीन एकदम से बंद पड़ जाती है और खाना पचाने का जो प्रोसेस है वो वहीं पर रुक जाता है, जिसकी वजह से जो भी खाना हम खाते हैं वो अधपचा रह जाता है और फिर धीरे धीरे सड़ने लगता है। इसीलिए खाना खाने से आधे घंटे पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद ही आपको पानी पीना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी गलती हम करते हैं वो है खाने को चबा चबा कर ना खाने की। आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ में लोग इतने बिजी हो गए हैं कि खाने को ठीक तरीके से वक्त नहीं देते। लेकिन दोस्तों आपका जानना जरूरी है कि जब हम खाने को चबा चबा कर खाते हैं तो खाने के साथ सलाइवा और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपस में मिक्स होते हैं, जिससे 50% डाइजेशन तो हमारे मुंह में ही हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पेट को ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और हमारा डाइजेशन अच्छे से काम कर पाता है। इसलिए चबा चबा कर खाना खाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जो तीसरी गलती हम करते हैं वो है खाना खाने के तुरंत बाद नहाना। जब हम खाना खाते हैं उस वक्त हमारा डाइजेशन प्रोसेस फास्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक के अराउंड ब्लड का फ्लो भी ज्यादा होता है। लेकिन जब आप खाने के तुरंत बाद नहाने चले जाते हैं तो ऐसे में बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है और ब्लड का फ्लो पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिसका इफेक्ट हमारे डाइजेशन पे पड़ता है। तो इसीलिए खाना खाने के 1 घंटे बाद ही आपको नहाना चाहिए। इसके बाद एक और गलती जो हम करते हैं वो है ओवर ईटिंग। अक्सर जब हम टीवी देख रहे हों, किसी से फोन पर बात कर रहे हों या फिर जब खाना बहुत टेस्टी बना हो, इस केस में अक्सर हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हमारा जो पेट है वो सिर्फ हमारी मुट्ठी के जितना बड़ा होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब आप खाना खाते हैं तो ये 3 से 4 गुना तक फैल सकता है, क्योंकि हमारे पेट को खाने के साथ साथ डाइजेस्टिव जूसेस और एयर के लिए भी जगह चाहिए होती है, ताकि ये सारी चीजें आपस में मिलकर खाने को अच्छी तरीके से पचा सके। लेकिन आप खुद ही सोचिए, जब आप खाने से ही अपने पेट को पूरी तरीके से भर लेंगे तो इसमें ना तो डाइजेस्टिव जूसेस और ना ही एयर के लिए कोई स्पेस बचेगा, और ऐसे में हमारा पेट हमें क्लियर कह देता है कि वो हमारे खाने को पचाने में अब हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, और इसी वजह से खाना अधपचा रह जाता है और फिर धीरे धीरे सड़ने लगता है। तो इसीलिए आपको ओवर ईटिंग करने की आदत से भी खुद को बचाना चाहिए। इसके बाद एक और आदत जो हमें बदलनी चाहिए वो है फास्ट फूड, मार्केट में मिलने वाले पैकेट स्नैक्स, ऑयली खाना, बहुत ज्यादा मैदे से बनी हुई चीजें, क्योंकि ये सारी ही चीजें हमारे आंतों में जाकर चिपक जाती हैं, जिससे पचाने के लिए हमारे पेट को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए आपको इन चीजों को रेगुलर बेसिस पे तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, आप कभी कभार चाहें तो इन्हें खा सकते हैं। इसके अलावा एक और हैबिट है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो है एक्सरसाइज। जी हाँ, एक्सरसाइज करने से इंस्टेंटली हमारे सिस्टम में ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव ट्रैक में जो भी खाना रुका पड़ा है वो वापस से चलने लगता है। तो इसीलिए हर रोज आपको एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। आप चाहें तो सुबह शाम 15 से 20 मिनट की वॉकिंग भी कर सकते हैं, या फिर एक आसन है जिसे हम वज्र आसन कहते हैं,
ये एकमात्र ऐसा आसन है जिसे आप खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। इस आसन को करने से आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत ही अच्छे से काम करता है और खाना सही से पचता है। चलिए अब बात करते हैं उन घरेलू नुस्खे की जिसे अपनाकर आप हफ्ते भर में अपना डाइजेशन ठीक कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है जीरा या फिर अजवाइन का पानी। इसको बनाने के लिए आप एक कप पानी को उबाल लें, फिर इसमें आप जीरा या फिर अजवाइन, दोनों में से जिसका भी टेस्ट आपको पसंद है, आप उसे डाल लें और इस पानी को उबाल कर आधा कर लें, फिर इसे छान कर पी लें। आप इसे खाली पेट पी सकते हैं या फिर खाना खाने के एक घंटे बाद भी आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज जो डाइजेशन को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करती है वो है एलोवेरा जूस। इसके लिए भी आपको हल्का गुनगुना पानी में थोड़ा एलोवेरा का जूस डालना है और उसे मिक्स करके पी जाना है। और रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध भी डाइजेशन को ठीक करने में बहुत हेल्प करता है। इसके साथ ही आपको अपने डाइट में सीजनल फ्रूट को जरूर ऐड करना चाहिए और डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए आप सेब, अमरूद, पपीता, अनानास और केला खा सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने लंच में सैलेड को जरूर ऐड करना चाहिए। इसके साथ ही आपको अपने ब्रेकफास्ट या लंच में प्रोबायोटिक को जरूर ऐड करना चाहिए, जिसका बेस्ट सोर्स है दही। दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मौजूद होता है जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है और जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उसे ये किल कर देता है। आप चाहें तो दही में गुड़ या फिर अलसी डालकर इसे खा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि डाइजेशन खराब होने के क्या क्या कारण हैं और कैसे इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसे ही फिटनेस से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।